सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है ताकि झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों का भी पक्का मकान बन सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के पलटीपुर गांव निवासी राजलाल सहित 20 परिवारों को आज तक आवास न मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मकान कच्चा है, हमारे पास न देखो खेती है न बारी है, और हमारे पास रहने के मान लो जो भी है ही है, कच्चा है, और उसके बाद हमारी कोई मान लो सुनवाई नहीं किसी के पास, हम जानते भी नहीं किसके पास जाएं आए कि आवास मिल सके। 200-250 रुपए की मजदूरी करते हैं भाई, 100 रुपए तो खा ही जाते हैं। तो बराबर मजदूरी लगती है ना। ये आपका घर कैसे गिर गया है? ये बारिश की वजह से। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान साहब देखिए, फिलहाल कच्चे घर के हिसाब से हमारा मान लो 2-4 हज़ार 6 हज़ार के तो खर्च वही हो गया मान लीजिए। अभी तो मैं 1,000 रुपए तो वो लाया, लकड़ी लाया है, और फिर 300 रुपए को क्या बोलूँ बल्ली लाया है। प्रधान जी को आवास पाने के लिए किसी को आप बोली हैं? कई बार बोल चुका, देते नहीं, बाजी आदमी के देते हैं, हम लोगों को देते नहीं। आवास मिल जाए हम पक्की छत के नीचे रहेंगे, कम से कम आराम तो रहे हमारे बच्चन का, हमका पानी तो नचुई झूरे में तो रही है लड़का बच्चा, परेशान रहते चुवत रहा थे। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4745-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या को दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।